हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललिता व्लॉग्स। तो मैं गाइज एक और नया व्लॉग लेके, और मौसम देख सकते हो आप कितना, मतलब इतनी ठंड हो चुकी है, इतनी ठंड हो चुकी है। और मेरे को जुकाम हो चुका है फिर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। और मतलब मेरे को कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं अपने यहाँ पे खुद ही, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। गाइज पूजा आई है यहाँ पे हमारे घर पे, तो मतलब ये वाले घर पे, तो अभी छिप रही है, मतलब दुपट्टा लेके पूरा फेस कवर है, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है पूरी। और वो सामने आने में मतलब इतनी शर्म कर रही है कि अपना फेस छुपा के रखा हुआ है उसने। बट मैं आप लोगों को फिर भी दिखा दूँगी जैसे तैसे करके, देखना गाइज। तो गाइज ये पूजा देख तो सकते हो गया, आपको दिख चुकी होगी, मैंने बड़ी मुश्किल से दिखाया। तो गाइज जैसा कि पूजा ने लास्ट व्लॉग में बोला था, जब ये हमारे घर पे थी जम्मू में, कि मैं उधर जाके मिलूंगी जब दीदी यहाँ पे आएगी छुट्टियों में, तो मैं आ चुकी हूँ। बट ये व्लॉग में आ ही नहीं रही। ये देखो गाइज ये पूजा, और बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसलिए इसको शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। बट पहले सुबह से मेरा सर कह रही थी कि व्लॉग बना बना, मैं बना रही हूँ, तो अब व्लॉग में आ ही नहीं रही है। और अभी हम जा रहे हैं इतनी ठंडी मौसम में नीचे वाले घर पे, एक मतलब रिलेटिव्स है हमारे, उनके घर पे एक रिव्यू है, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा फंक्शन है, थोड़े दिन हो गए हैं, तो वहाँ पे बुलाया, तो हम जा रहे हैं। क्योंकि मौसम कितना ठंडा हो चुका है और फॉग पड़ रही है यार, जुलाई का महीना है, और आपके वहाँ पे जब होंगे तो इतनी गर्मी होगी। नहीं वैसे वहाँ पे मैंने सुना था, बता रहे थे बारिश हुई है, ठंडा मौसम हो गया, बट यहाँ पे तो मतलब फॉग पड़ रही है यार। जस्ट इमेजिन, वहाँ पे नवंबर दिसंबर में पड़ती है और यहाँ पे पता नहीं जनवरी में पड़ती है, तो यहाँ पे तो अभी बढ़ रही है। और देख लो कितना ठंडा है, और मतलब कि क्या दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। हाँ ये देखो वहाँ पे ऊपर ही दिखा दो, और ये पीछे ऐसा व्यू है। और रात को डर भी सकते हो आप अकेले यहाँ पे, मैं बहुत डरती हूँ, तो डरती नहीं हूँ, डरती हूँ मैं मुझे। तो गाइज ये पूजा, वही पूजा जो हमारे घर पे रहती थी, और ये देखो शर्मा, अरे ये वही गिरा रही है मेरे को। तो गाइज हम पहुंचने वाले हैं, और हम धीरे धीरे से चल रहे हैं, क्योंकि दादी का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं उनके पीछे। और बारिश भी पड़ रही है, मेरे फोन पे भी पड़ रही है। और गाइज ये देखो, मैं यहाँ से सामने का व्यू आपको दिखाती थी हमेशा, और आज बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल फॉग ही फॉग हो चुकी है। गाइज देखो मैंने दीदी की कुत्ते की कैसी, मेरे को बिल्ली बना दिया इसने, कमेंट करके बताना कैसी की, मुझे ऐसे परफेक्ट तो नहीं आती करना। तो गाइज मैं इधर आके बहुत काली हो चुकी हूँ, कितनी बार बताऊंगी आपको, दिख रहा होगा इधर पानी काला है ना, इसलिए पानी काला, खा लो पानी, काले पानी की सजा मिली है यहाँ पे। ये देख कितनी गोरी है, कितनी गोरी है गाइज। गाइस जैसा कि मैंने बताया, इसने मेरे को ये पता नहीं क्या बिल्ली वाली गुत कर दी, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पूरे बाल पीछे हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अजीब लग रही हूँ, बट ये खोलने ही नहीं दे रही। और अभी हम जा रहे हैं छोटे, जो मेरे दादू के सबसे छोटे वाले भैया हैं, उधर उनका घर पास में ही है, तो वहाँ पर जा रहे हैं हम, क्योंकि ये बोल रही थी जाना है। मैं जब से आई हूँ उनके घर पर नहीं गई हूँ, सिर्फ उनके बाहर से आई थी, और दादी बोल रही थी कि सबके घर पर जाना होता है, चला ही नहीं जाता यार, टांगे बस कर जाती हैं। मतलब सुबह से मेरे को इतना फोर्स कर दी थी, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, बट बाद में मैं जब मानी और इसने मना कर दिया, तो फिर दादी भी बोल रहे थे कि अगर तू जाएगी, जाने में भी थक जाएगी, आते टाइम भी फिर बीमार हो जाएगी, स्यापा पड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर के पास जाना हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है रामबन, तो मतलब फिर स्यापा ही पड़ जाता है यार एक तरह का, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई यार, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फॉग थी सुबह। तो फिर अब तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया, धूप वगैरह निकल रही है। तो गाइज मैं नीचे आ तो गई हूँ दादू के भैया के घर वाली साइड, बट ऊपर जाते टाइम तो थक जाती हूँ यार, सांस चढ़ जाती है कसम से यार। बेबी मेरी जानिया, जान कट के गए, बेबी मेरी क्रेजी। गाइज मेरी दादी बोलते हैं कि ऐसे दुपट्टा लेना चाहिए, और उनके सामने ऐसे ही लेना पड़ता। तो गाइज की दादी ऐसा बोलते हैं इसको, और इसलिए यहाँ पे ये दुपट्टा दुपट्टा लेके रखती है। होती है कुकड़ी, मतलब मक्की को बोलते हैं कुकड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे कुकड़ी हो चुकी है। और बट ये सर्दियों में होती है, बहुत टेस्टी होती है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी, अखरोट के साथ खाने में मजा ही आ जाता है। तो गाइज ये देखो, ये कौन सा पेड़ होता है, बंड, नहीं नहीं मोरुआ, मारू मारू, हाँ मारुआ, इसके कंडे जो
कंडे इसके जो पत्ते हैं ना उसको बहुत कांटे होते हैं, चुभती है। और पर इसको जो गाय वगैरह होती है सब होते हैं वो खाते भी हैं। गाइस मैं सच्ची बोलूं मैं तो बड़ी खा जा रही हूँ, मेरे को मन कर रहा है जम्मू कर ली चली जाऊं, बट कल जाने ताऊ जी जा रहे हैं, साथ में आई थी बट दादी बोल रहे हैं फिर तू चली जाएगी तो मैंने भी जाना है, तो इसलिए मेरे को यार 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। मेरे को मन कर रहा है मेरे अगर आज भी कोई बोले ना ये अभी जा गाड़ी में बैठ के मैं अभी चली जाऊँ, मेरे को इतनी खा जा रही है ना इधर कसम से। जी देखो मेरे फेवरेट वाला मौसम, वाव यार गंदा, बट फिर भी मेरे को घर जाने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है और इससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, बहुत ज्यादा स्लिपी है गाइस। ओ गाइस नहीं गाइस इधर पूरा दिन लग जाएगा आज। गाइस यहाँ से तुम बैठो मैं चलती हूँ। गाइस ओ गाइस बहुत, तो गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद मैं आधे पत्थर पे पहुंची और गाइस गाइस आर्मी भेजिए मेरी हेल्प के लिए। ये सिर्फ एक नाटक था और इस पे चढ़ना इतना इजी था। ये देखो मैं कितनी जल्दी चला गई और ये नाटक कर रही चला थी। चला गई क्या होता है, चली गई चला गई चली गई चला गई चली गई। गाइस एक और पत्थर। अब तो गाइस मुझे तो लगता है आज घर पहुंचना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऊपर से दिखा ऐसे लगे बहुत बड़ा पत्थर है, ऊपर से नीचे से। हाँ नीचे गाइस इतना बड़ा पत्थर, मैं थोड़ी दूर से गाइस इतना बड़ा पत्थर लग रहा है कि बड़ा है, है? हाँ। लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। अब कैसे चढ़ना हुआ गाइस, इसको वीडियो बनाना नहीं आती तब तक मैं चढ़ ही जाती हूँ। यहाँ पे एक दिन इतना बड़ा मेंढक था और इतना बड़ा ऐसे बैठ रहा था और मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता था, मैंने उसको घुमा घुमा के ऐसे पानी फेंक फेंक के फिर वो चला गया यहाँ से। तो गाइज अभी यहाँ पे मेरा कज़न आया और वो बोल रहा है कि घोड़े पे बैठना है, उसके पास घोड़ा है बट अगर मैं गिर गई तो फिर आज के बाद आपको मेरे ब्लॉग 1-2 महीने के बाद मिलेंगे, टांग टूंग मेरी फ्रैक्चर हो गई तो, अदरवाइज मैं बैठने लगी हूँ। यार अगर ये भाग गई तो बहुत डर लग रहा है। मैं बैठ रही अगर मैं गिरी ना इसके बाल खींच रही अगर सांस रुक गई चला रहा मिश्रा नस्ली ना ताना डरती चलना चल चल भगवान जी ओ बिल्ली तो गाइज मैंने पहले भी हॉर्स राइडिंग की है पत्नीटॉप पे, बट उसमें होता है कि पकड़ने के लिए सब कुछ होता है तो प्रोटेक्शन होती है उनपे, ऐसा ट्रस्ट होता है क्योंकि वो डेली लेके जाते हैं, बट
इस पे ना कुछ बैठने के लिए था ना कुछ, मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा था ना कसम से। तो गाइज ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग, तो बाय गाइज, लव यू गाइज।